फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इफेक्टिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का जनरल मीनिंग जो होता है वो इस प्रकार है, टू मेक somebody डू समथिंग दैट ही सी इट डज नॉट वॉन्ट टू डू। ही और सी यहां पे पर्सन के लिए यूज किया गया है, इट जो है यहां पे थिंग के लिए यूज किया गया है। तो यदि कोई पर्सन या कोई थिंग्स अगर किसी वर्क को वो डंग नहीं करना चाहता है तो किसी somebody, किसी भी पर्सन के द्वारा उस पर एक एक्शन लिया जाता है और उस काम को डन करवाया जाता है। तो जो एक्शन लिया गया किसी भी सम्बडी के द्वारा वो एक्शन फोर्स कहलाता है। जैसा कि यहां पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, सपोज ये फादर है, ये सन है। सन कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बट फादर की रिक्वायरमेंट है कि ये डॉक्टर बने। तो ये अपने सन को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर नहीं। तो ये सन जो है अपना इरादा बदलता है और फिर स्टडी और एफर्ट डॉक्टर बनने पर ये लगाता है और डॉक्टर बन जाता है। तो पहले तो ये डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, बट अब ये डॉक्टर बन चुका है। तो ये एफर्ट, ये एक्शन जो लगाया गया ये सन पर, ये सेकेंड पर्सन पर जो लगाया गया है वो ही एक्शन फोर्स कहलाता है। और हम लोग कहते भी हैं कि फोर्स आप कर रहे हैं इस पे, किसी भी काम को जबरदस्ती अगर करवाया जाए तो वो फोर्स ही कहलाता है, किसी को फोर्स करना। ठीक है, ये तो जनरल लाइफ की बात हो गई। अब हम लोग तो यहां पे इंट्रैक्शन क्या हुआ, इंट्रैक्शन बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच इंट्रैक्शन हुआ। अब इंट्रैक्शन के केस में यहां पर तो पर्सन और थिंग्स का बात किया गया है और यहां पे समबडी मतलब कि कोई पर्सन ही होगा जो कि एफर्ट लगा रहा है। तो ये पर्सन पर भी कर सकता है, ये थिंग्स पर भी कर सकता है। तो जहां पे थिंग्स या ऑब्जेक्ट पे जहां पे बात आएगा एफर्ट लगाने की कोई भी पर्सन के द्वारा, तो वो भी फोर्स होगा। तो हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे एक पर्सन के द्वारा एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन लिया जाता है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग समझते हैं। सपोज यहां पे एक पर्सन के द्वारा यहां पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया, हालांकि ये फोर्स आगे मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में था पहले और ये मूव करना नहीं चाहता, परंतु यहां पर ये फोर्स के कारण इसे मूव करवा रहा है। तो मूव जब करवा रहा है तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो ये एक्शन लिया गया पर्सन के द्वारा ये थिंग्स पे, ये इसका फोर्स कहलाएगा। तो ये फोर्स हो गया। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि फोर्स क्या होता है। तो एक फिजिकल एक्शन होता है जो किसी भी पर्सन के द्वारा लिया जाता है। यहां पे दो थिंग्स की बात हम करेंगे। यहां पे पर्सन इस पर फोर्स अपोज किया, ये मोशन में आ गया। अब पर्सन को हम हाइड कर दिए हैं और ये अब मोशन में ही है, मतलब कि ये मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट जब इससे टकराएगा तो इस पर भी एक फोर्स अप्लाइड होगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे। तो ये रेस्ट में है तो ये मोशन करने लगेगा। तो जब ये मोशन करने लगेगा तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा। हालांकि ये मूव कर ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ अपना ये एफर्ट लगा रहा है तो ये इसके द्वारा जो एफर्ट लगाया गया, जो एक्शन लिया गया वो इसका फोर्स ही होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं
इस ऑब्जेक्ट में इंट्रैक्शन किसके किसके बीच हुआ, तो इंट्रैक्शन पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच हुआ। और यहां पे इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, मतलब कि दो थिंग्स ही है जो कोलिजन के द्वारा यहां पर ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि इस सिरिंज का जो नीडल है यहां पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो पुशिंग फोर्स, जिसे हम लोग इस प्रकार के फोर्स को हम लोग पोकिंग फोर्स भी हम लोग कहेंगे। पोकिंग फोर्स जो होगा वो एग्जांपल्स फिर हो जाएगा पुशिंग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देख रहे होंगे एक क्लोथ्स है जिसके शेप को चेंज किया जा रहा है, तो इस तरह के फोर्स जो होगा वो पुशिंग फोर्स का एग्जांपल होगा। यहाँ पे टॉगिंग जो है, मतलब इसका मतलब होता है झटके से खींचना, मतलब कि अगर झटके से हम यहाँ पे खींच पा रहे हैं तो यहाँ पर ही फोर्स लग रहा है। तो इस तरह का जो फोर्स हुआ वो हमारा पुलिंग फोर्स हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पुशिंग और पुलिंग दोनों फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। तो शेप चेंज होने के कारण यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक पुशिंग फोर्स एक पुलिंग फोर्स। जहाँ पे दोनों फोर्स अप्लाई होगा वहाँ पे इसका शेप चेंज करेगा, अदरवाइज शेप चेंज नहीं करेगा। मतलब कि पुशिंग और पुलिंग फोर्स जब एक साथ लगेगा तब किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है प्रेसिंग फोर्स, जो कि पुशिंग फोर्स का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बॉल है जो कि नीचे की तरफ गिरा और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये जब स्प्रिंग पे ये गिरेगा तो स्प्रिंग पे लगने के बाद ये स्प्रिंग जो है अपना लेंथ को कम हो जाएगा इसका लेंथ। तो लेंथ कम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे बॉल के द्वारा यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, पुशिंग फोर्स, जिसके कारण ये अपना शेप जो है, ये लेंथ जो है इसका चेंज कर गया। तो इस तरह का फोर्स का फोर्स जो हुआ वो प्रेसिंग फोर्स कहलाता है, जो कि पुशिंग फोर्स का एग्जांपल है। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग तो समझ चुके हैं कि फोर्स एक्शन होता है। एक्शन भी दो तरीका से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो एक्शन, मतलब कि फोर्स अब दो तरह का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि जो फोर्स लगा रहा है उसके तरफ मूव कर रहा है या उससे दूर जा रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग फोर्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए, एक पुश और दूसरा पुल। जिसमें पुशिंग प्रोसेस होगा उसे पुश फोर्स कहेंगे, जिसमें पुलिंग प्रोसेस होगा उसे पुल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुशिंग क्या होता है और पुलिंग क्या होता है। पुल मतलब खींचना और पुश मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मूव करना। ठीक है, यहां पर मूव अवे फ्रॉम पर्सन, इससे दूर जा रहा है, और टूवर्ड्स पर्सन के पास नजदीक आ रहा है, मतलब कि खींचेंगे तो कोई भी पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा, और अगर हम पुश करेंगे तो यहां पर मतलब कि धक्का हुआ, किसी को हम पुश कर रहे हैं। सपोज ये किसी को हम पुश कर रहे हैं, ये जो पुश हो रहा है ये डूअर से ये दूर जा रहा है, बट ये खींच रहे हैं तो ये मेरे पास आएगा। ठीक है, तो यहां पर
पुशिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम पर्सन और डूअर। तो जब डूअर के पास आएगा तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग पुश कर रहे हैं, और जब डूअर से दूर जाएगा तो हम लोग कहेंगे पुल कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द पर्सन और डूअर। तो फाइनली हम लोग समझ में आया हम लोगों को कि दो तरह का यहाँ पे एक्शन हम लोग ले सकते हैं, एक पुश और दूसरा पुल। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स, जैसे प्रेसिंग, तो किसी को हम जैसे कि प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करना ये ऑब्जर्वर के पास आएगा, सॉरी ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, और ड्रैगिंग जो हुआ वो ऑब्जर्वर के पास आएगा। स्ट्रेचिंग ये भी ऑब्जर्वर के पास आएगा। स्टेपिंग ये ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, जैसे कि स्टेपलर से अगर हम पिन अगर हम किसी भी दो पेपर को अगर हम स्टेप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो वो स्टेपिंग हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ हम पुश कर रहे हैं, तो फाइनली जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में पिन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेपिंग हो गया और ये स्ट्रेचिंग हो गया। स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा मतलब कि पुलिंग फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है वो पुशिंग का भी है और पुलिंग का भी है। ठीक है, तो यहां पर फाइनली हम लोग कह सकते हैं एक्शन के बेसिस पे पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और इसका इफेक्टिव डिफिनेशन होता है इट इज एन एक्शन दैट कैन चेंज द स्टेट सच एज शेप साइज एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम एक्शन लेंगे तो फोर्स क्या है, एक एक्शन होता है जो किसी भी जिस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं एक्शन लगा रहे हैं फोर्स उसके स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट दैट मीन्स कि उसकी पोजीशन, वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, वो मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, अगर उसका अपना कुछ फिक्स साइज है शेप है तो कंप्रेशन फोर्स के द्वारा उसे हम लोग स्टेट उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसके मोशन के को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स के कारण। थैंक यू, आज लेक्चर में इतना ही।